हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ में कोलकाता स्पेशल दादा बॉडी मटन बिरयानी की रेसिपी। कोलकाता के बैरकपुर की ये मशहूर बिरयानी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बहुत ही परफेक्ट और ऑथेंटिक तरीके से ये दादा बॉडी मटन बिरयानी की रेसिपी दे रही हूँ, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही लजीज, बहुत ही उम्दा बनकर तैयार होती है, तो ज़रूर बनाइएगा। और रेसिपी चले शुरू करते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगे फ्रेंड्स, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिरयानी बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कितनी क्वांटिटी में बना रही हूँ। तो आज की बिरयानी मैं लार्ज क्वांटिटी में बना रही हूँ, 2.5 kg की टोटल बिरयानी बनकर तैयार होगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे चावल लिया हुआ है, यहाँ पे लॉन्ग ग्रेन बिरयानी राइस यूज़ कर रही हूँ मैं, और मैं वागा ब्रांड का बिरयानी राइस यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छी क्वालिटी का चावल होता है और बिल्कुल लंबे दाने, जो हमें परफेक्ट बिरयानी के लिए चाहिए, बिल्कुल सही उतरता है चावल। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 कप चावल लिया हुआ है और ये टोटल 1 kg है। तो सबसे पहले चावल को मैं अच्छे से वॉश कर साइड पे रख देती हूँ। और इस बिरयानी में हमें आलू भी चाहिए होगा, तो यहाँ पे मैंने 1/2 kg आलू ली हुई है। और आलू हमें सिंगल पीस में चाहिए होगा, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। और यहाँ पे इस तरह से जैसे मैं कट मार्क्स लगा रही हूँ, बस इसी तरह से आलू में हमें कट मार्क्स लगा लेने हैं। इसके साथ ही मैंने अदरक लहसुन का जूस लिया हुआ है। ये जूस घर पे कैसे तैयार करते हैं मैंने शेयर की है, तो आप प्लीज़ वीडियो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा पतीला लिया हुआ है और इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। तो यहाँ पे मैंने 200 ml सरसों का तेल लिया हुआ है, और कप से मेजर करेंगे तो ये 1.5 कप होगा। इसके साथ ही मैं यहाँ पे घी भी ले रही हूँ, तो ये हमारा घर का घी है, मैं 3 बड़े चम्मच ले रही हूँ। क्योंकि सरसों के तेल और घी डालकर इसको बनाएंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर मिलता है, और जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें सरसों का तेल ही यूज़ होता है। और यहाँ पर सरसों के तेल को मैंने पहले गर्म कर लिया था, उसके बाद में ठंडा कर मैं वापस इसको यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ ही इसमें डालूंगी मैं 2 प्याज, मीडियम साइज की प्याज को बिल्कुल स्लाइसेस में काट लिया है, और इसके बाद इसे हमें फ्राई कर लेना है। प्याज को हमें बहुत अच्छा क्रिस्पी और गोल्डन होने तक फ्राई करना है, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ ठीक इसी तरह से। जब प्याज फ्राई हो गई है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 500 ml पानी। और इससे डालने से क्या होगा, प्याज की कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगी। और यहाँ पे अभी हमें ढक्कन लगाकर इस पानी में बॉयल आ जाने देना है। देखिए यहाँ पे 3 से 4 मिनट हुए हुए हैं और पानी में अच्छा सा बॉयल आ चुका है, देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा रोलिंग बॉयल आ गया है। तो 1-2 बार मैं इसको अच्छे से मिलाऊंगी, स्टर दूंगी। जब यहाँ पे पानी में अच्छा सा बॉयल देखिए आ चुका है, तो अब मैं इसमें डालूंगी आलू। तो ये सारा का सारा आलू जो मैंने कट मार्क्स लगाकर रखा था, यहाँ पे डाल दे रही हूँ। और अब इसको अच्छे से 1-2 बार स्टर कर दूंगी। और अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें इसमें डालनी है। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ पे 1.5 चम्मच में लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, इससे आलू में बहुत अच्छा कलर आएगा और प्लस इसका तीखापन भी आएगा। इसके साथ ही मैं इसमें नमक डालूंगी, तो नमक यहाँ पे मैं 1 बड़े चम्मच नमक डाल रही हूँ। और अब जब नमक और लाल मिर्ची डाल दी हैं, तो इसको एक बार अच्छे से मिला दूंगी। देखिए कलर कितना खूबसूरत लग रहा है, बस इसी में हमें हमारे आलू को पकाना है। तो बस इसी जूस में प्याज का जो फ्राई किया हुआ जो सौंधापन होता है, उसका सारा जूस उतर चुका है, तो बस इसी अनियन जूस में हमें इसको पकाना है। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा अदरक लहसुन का जूस भी डाल रही हूँ, जो कि मैंने आपको वीडियो के बिगनिंग में बताया था। यहाँ पर आलू में डाल रही हूँ क्योंकि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस इसी जूस में हमें हमारे आलू को पकाना है। तो बस लिड लगा दे रही हूँ मैं, और कवर कर मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में रखकर इसको मैं 15 से 20 मिनट तक कुक कर लूँगी। ये जो कुकिंग टाइम है ना, आलू की क्वालिटी पर डिपेंड करेगा कि इसको कितना टाइम लग रहा है। और इसी तरह से आपने इसको वेसल में ही बनाना है, प्रेशर कुकर में नहीं बनाना है, क्योंकि टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। अब यहाँ पे देखें हमारे आलू को पकते हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, और अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। तो इसमें टूथपिक डालकर चेक कर लूँगी, अगर वो अच्छे से अंदर तक जाएगी, इसका मतलब है कि आलू बहुत अच्छे से गल चुके हैं। और प्लस हमने जो इस आलू को बॉईल करते टाइम इसमें कट लगाया था, उससे भी पता चल जाएगा कि आलू गल गई है या नहीं। तो अभी क्या करना है, हमारे इस जूस से हमारे इस आलू को जो पक गए हैं, बस इसको छान कर निकाल कर साइड पर रख लेना है। तो इस तरह से सारे आलुओं को मैं प्लेट में निकाल कर रख ले रही हूँ। और ये देखें कितना प्यारा सा कलर आ चुका है, और हमने इसमें कलर बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। तो नेचुरल है आलूओं का कलर, और प्लस इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर है, बहुत अच्छा सौंधापन है हमारे प्याज से जो मिला है। अब बच गया हमारा यहाँ पे जो अनियन जूस था, जिसमें हमने हमारे आलू को बनाया था, बस इसको मैं इस तरह से एक बोल में ट्रांसफर कर ले रही हूँ, और ये ऑलमोस्ट 1/2 लीटर है। अब यहाँ पे क्योंकि बिरयानी मटन में बन रही है, तो 1 kg मैंने मटन लिया हुआ है और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब ये वही पतीला वापस से यूज़ कर रही हूँ मैं, जिसमें मैंने आलू बनाया था। मैंने आपको बताया था कि जूस मैंने निकाल लिया है और बस इसको वॉश भी नहीं किया है, इसी में मैं सारा मटन डाल दे रही हूँ वॉश कर। इस बिरयानी के लिए हमें जो मटन चाहिए होगा, वो थोड़े बड़े पीसेस में चाहिए होगा, प्लस साथ में बोटियाँ भी चाहिए होंगी, थोड़ा फैट भी होना चाहिए। तो मिक्स टाइप की हमें इसमें गोश्त चाहिए होती है। तो यहाँ पे मटन को मैंने वेसल में ट्रांसफर कर लिया है, अब मैं इसमें कुछ चीज़ें डालूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसमें डाल रही हूँ नमक। तो नमक यहाँ पे मैं 1 बड़े चम्मच डाल रही हूँ।
इसके साथ ही दो हरी इलायची और दो टुकड़ा दालचीनी का डाल रही हूँ। साथ में मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच डालूंगी लाल मिर्च का पाउडर। नमक मिर्च डालने के बाद में यहाँ पे दही जानी है इसमें, तो दही हमारा घर का जमा हुआ है और ये टॉक दही है, ये हमें डालना है 250 ग्राम, तो ये डाल दिया मैंने। इसके साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ये हमारा एसेंस जो कि बिरयानी एसेंस है, इसमें केवड़ा और मीठा अत्र दोनों का अर्क है, तो ये डालूंगी मैं 3-4 बूंदें। देखें इतना डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फ्लेवर होता है इसका। और अब मैं लास्ट में डालूंगी इसमें हमारा अदरक लहसुन का जो हमारा जूस था, वो सारा का सारा यहाँ पे डाल दे रही हूँ। और यहाँ पे मैंने टोटल 150 ml 150 ml जो है मेजर किया, तो इतना जूस बनकर तैयार हुआ था। प्लीज़ आप जूस कैसे बनाते हैं एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, मैं आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अभी क्या करना है, हाथों से आपने जो सारे मसाले डाले हैं मटन के ऊपर अच्छे से लगाना है, मैरिनेट करना है। देखिए इस तरह से जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, इससे जो मसाले हैं वो बहुत अच्छे से मटन पीसेस पर लग जाएंगे। और अब हमें, जब आपने मसाले मिला लिए, तो हाथ को वॉश कर लीजिए। उसके बाद में आपने इसको इस पतीले को चढ़ाना है फ्लेम पे। देखिए फ्लेम पे मैंने इसको चढ़ा दिया है, फ्लेम हाई रखूंगी, अभी बिल्कुल भी स्टर नहीं करना है, ढक्कन लगा देनी है आपने और 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे ढका हुआ इसको पकने देना है। 5 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट बाद में मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे इसको चलाऊंगी, मिक्स करूंगी। देख सकते हैं आप दही का जो सारा जूस है बहुत अच्छे से रिलीज़ होने लगा है, ओब्वियसली प्लस मटन के अपने जूसेस भी हैं और बहुत ज़्यादा पानी छूट रहा है। तो अभी एक दो बार अच्छे से चला दीजिए और यहाँ पे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। तो बस एक बार अच्छे से चलाने के बाद में इसमें हमें डालना है वो अनियन जूस जिसमें मैंने आलू बनाया था। बहुत ही फ्लेवरफुल ये जो जूस है, ये बहुत फ्लेवरफुल है, तो इसको आप ज़रूर डालें। और इसी से बनती है परफेक्ट दादा बॉडी बिरयानी। तो ये सारा का सारा मैंने डाल दिया और देखें जैसे ही मैंने इसमें जूस डाला है इसकी रौनक ही बदल गई है, रंगत ही बदल गई है और ये कितना खूबसूरत दिखने लगा है। बस एक दो बार आपने जेंटली स्टर देना है, अच्छे से मिलाना है जिससे सब तरफ सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाए। बस ढक्कन लगानी है आपने और ढक्कन लगाकर इसको कुक कर लेना है। तो इसके लिए अभी फ्लेम हाई रहेगी, हाई फ्लेम पे आपने इसको पकाना है 15 से 20 मिनट। अब यहाँ पे इतना सारा पानी छूट चुका है तो अब मैं इसको धीमी आंच पे पकाऊंगी। इसके लिए फ्लेम आप मीडियम कर दीजिए, मीडियम फ्लेम पे ढककर आपने इसको जब तक गोश्त अच्छे से गल नहीं जाता तब तक पकाना है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम इसको पतीले में बना रहे हैं तो वेसल में पकाने में कुकर के पकाने से ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए आप तसल्ली से, इत्मीनान से जब तक गोश्त अच्छे से गल नहीं जाता तब तक पकाइए, क्योंकि बिरयानी का गोश्त हमें बहुत अच्छे से गलाना होता है। और इसी पतीले में बनाइए क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ पे हमारे मटन को गलते हुए 45 मिनट हो चुके हैं, 45 मिनट से ये पक रहा था मीडियम फ्लेम पे। और अब मैं इसकी ढक्कन हटाकर चेक करती हूँ ये हुआ है या नहीं। मटन जो है इस जूस में पककर बहुत अच्छे से ऑलमोस्ट तैयार होने पे होगा, मैं आपको चेक भी कर दिखाऊंगी इसके जो फ्लैश हैं बोन से अलग होने शुरू हुए हैं या नहीं। तो ये देखें हाथों से जब मैंने इसको इस तरह से टच किया, हटा रही हूँ, तो ये फ्लैश टूट रहा है, ईजिली स्मैश हो रहा है, मतलब है कि गोश्त गल चुका होगा। और ये बड़ा पीस था तो मतलब सारे पीस गल चुके होंगे और जो देख रहे हैं इसमें आप हड्डी जो है वो छूट रही है। तो बस तैयार है हमारा ये बिरयानी का जो सालन है वो बिल्कुल तैयार है। अभी नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, चावल बनाते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे जो ये चावल लिया था, देखिए मैंने वॉश कर भिगो दिया था और कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई है, मतलब दाने लंबे हो गए हैं और चावल का कलर भी निखर गया है। अभी यहाँ पे क्या करना है, आपने चावल को पकाने के लिए एक ट्रिक करना है, जिस पतीले में आपने पानी चढ़ाया है चावल को पकाने के लिए उसके ऊपर आप इस पर रखें लौंग, दालचीनी और हरी इलायची, ये 3 मसाले, और नमक रखना है आपने 5 से 6 बड़े चम्मच। और बस जब पानी गर्म हो जाए तो आपने ये सारे जो मसाले हैं, खड़े मसाले और नमक, इस पानी में छोड़ देना है और साथ साथ में चावल डाल देना है और चावल को 50% तक कुक करना है। तो जब पानी में बॉयल आ गया तो मैंने वो सारे खड़े मसाले, नमक और यहाँ पे ये जो चावल दोनों डाल दिया था, इसको 50% तक कुक कर लिया है मैंने। ये देखें तोड़ रही हूँ तो चावल 2 आधे हो रहे हैं, बस मतलब है कि ये 2 आधे हो रहे हैं ना चावल, मतलब 50% हो चुका है। तो बस चावल को छान लूँगी, साइड पर रख दूँगी। और अब यहाँ पे आती है लेयरिंग की बारी, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसके लिए हमें कुछ प्रिपरेशन करनी है। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे पानी गरम किया हुआ है, गुनगुना पानी है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटे चम्मच केसर, क्योंकि जो ओरिजिनल फ्लेवर और टेस्ट मिलेगा आपको इसी केसर से मिलेगा, तो केसर मस्ट है इस रेसिपी में। इसके साथ ही हमें लेनी है 1/4 टीस्पून शुगर और इसके साथ ही 3 हरी इलायची का दाना लेना है। और ये हरी इलायची और जो शक्कर है, मतलब हरी इलायची का दाना और ये शक्कर जो है, मैं इसको कूट ले रही हूँ, इसका पाउडर बना ले रही हूँ और ये टोटल होना चाहिए 1 बड़े चम्मच। तो यहाँ पे देखें हमारा 1 चम्मच ये पाउडर जो है बनकर तैयार हो चुका है। अभी मैंने 1 कप दूध को फ्लेम पे चढ़ाया है, गुनगुना कर ले रही हूँ और जब गुनगुनी हो गई है दूध तो इसमें मैंने ये सारा पाउडर डाल दिया है। और अब दूध को क्योंकि हमने बॉयल नहीं करना था तो गुनगुनी हो गई, मैंने इसको प्लेटफॉर्म पे रख लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मावा।
तो ये है हमारा होममेड खोया खीर, जो कि मैंने आपको बताया है कैसे बनाते हैं घर पे, इजीली आप इसको बना सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहुत आसान और हेल्पफुल वीडियो है, देख लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि मस्त जलती है और घर पे आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टोटल लिया हुआ है 150 ग्राम और इसकी आधी क्वांटिटी मैं यहाँ पे इस दूध में डाल दे रही हूँ जो कि मैंने गुनगुना किया था, और इसी में डालूंगी कुछ केसर। तो केसर 2 बार डलता है, यहाँ पे भी डालेंगे और बाद में भी जो हमने वहाँ पे मिक्स कर रखा है, ये देखें ये वाला, ये भी है। तो दूध वाले मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख दें, और ये देखें कितना रंग निखर गया है ना, पानी कितना अच्छा कलर हो गया है इसका, केसर वाला पानी हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे फ्लेवर डालना है इसमें, तो 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं इसमें रोज़ वाटर। गुलाब पानी बहुत मस्त है, इससे बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस और बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ केवड़ा वाटर। तो हमारा ये केसर का मिक्सचर जो है तैयार हो चुका है, जो कि हमारी बिरयानी को बहुत अच्छा फ्लेवर और जो खुशबू देगा ना, वो एकदम ज़बरदस्त देगा। तो ये ज़रूर बनाएं और इसको साइड पर रख दें। अब आते हैं इसके मेन पार्ट में, जहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से बता देती हूँ, जिससे कुछ भी छूटे नहीं आपका। ये देखें दूध है, ये दूध अलग है। यहाँ पर मैंने दूध लिया हुआ है 250 ml, 3 आलू बुखारे लिए हुए हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसमें घी जाएगी, घी लेना है आपने 2 बड़े चम्मच प्योर देसी घर का घी। इसके साथ ही मैंने आपको ये मावा तो बताया था, साथ में हमें फ्रेश क्रीम चाहिए। तो ये मेरा घर का दूध के ऊपर जमी हुई मलाई को मैंने बनाया है फ्रेश क्रीम अच्छे से मिक्स कर, ये मैंने तो आपको बताया वो जो खुशबू वाला हमने बनाया था मिक्सचर। इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ये हमारा मसाला दादा बॉडी बिरयानी का स्पेशल मसाला, मैंने आपके साथ में शेयर की है इसकी वीडियो, प्लीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। इस मसाले के साथ में आप ये बिरयानी बनाइए, गज़ब की बिरयानी लगेगी और आपको ऐसा लगेगा कि आप जो हैं दादा बॉडी बिरयानी रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं। तो बस इस मसाले को बनाते हुए ज़रूर बनाइएगा हमारी ये मटन बिरयानी को। और ये देखें ये वाला जो दूध का मिक्सचर स्पेशली मैंने बनाकर तैयार किया था, ये ज़रूर बनाएं और इसको डालें आप बिरयानी की लेयरिंग में, गज़ब के टेस्ट मिलेंगे आपको। यहाँ पे देखें सारी की सारी जो तैयारियाँ हमने हैं लेयरिंग की, वो साइड पे कर कर रख लेनी है, और यही सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारी दादा बॉडी बिरयानी का। अब चले आते हैं हमारे सालन की तरफ, ये जो हमने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। अभी क्या करना है कि इसमें से ये जो सारे गोश्त के पीसेज हैं इसको छान लेना है, और छान कर डायरेक्ट आपने डालना है जिस वेसल में आपने लेयरिंग करनी है उसमें। देखें सारा डाल दिया मैंने, और यहाँ पे ये जो जूस रह गई थी इसको अब मैं छान लूँगी, क्योंकि इस जूस में प्याज के लच्छे वगैरह सब है ना, इसीलिए इसको बेहतर होगा छान लीजिए। और इसके ऊपर जो रह जाएगा, जो ग्रेवी टाइप रह जाएगी, लच्छे वगैरह रह जाएंगे, खड़े मसाले रह जाएंगे, उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिएगा। और अब यहाँ पे जो हमने जिस वेसल में लेयरिंग की है गोश्त की, उसमें डाल रही हूँ 1 नींबू, 1 पूरा नींबू निचोड़ा मैंने, देखा आपने, और इसको बीज हटाकर मैं इसका जूस इसमें डाल दे रही हूँ। और इसके साथ ही यहाँ पे ये मसाला डालूंगी मैं। तो ये हमारा जो बिरयानी मसाला है, मैंने टोटल 5 kg के लिए बनाया था, तो यहाँ पे क्योंकि 2.5 kg की बिरयानी बन रही है, तो इस मसाले की आधी क्वांटिटी मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ। और ये इतना 2 चम्मच के लगभग मसाला रह गया है, जिसको मैं रख दूंगी, नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी बिरयानी तो यूज कर लूंगी। बहुत ही परफेक्ट तरीके से फुल मेजरमेंट्स के साथ में मैंने आपको ये बिरयानी मसाला बनाना बताया है, तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा, बहुत हेल्पफुल वीडियो है। चलें देखें यहाँ पे हमारी जो लेयरिंग का थोड़ा सा काम मैंने कर लिया है, अब मैं यहाँ पे जो हमारा बिरयानी मसाला है उसके ऊपर सारा का सारा ये जो जूस था हमारा, यानी कि यखनी, ये डाल दे रही हूँ, क्योंकि हमने चावल को हमारे इस बिरयानी के लिए 50% तक कुक किया था, तो यहाँ पे यखनी ज़्यादा जाएगी। टोटल दूध वूध सब मिलाकर 1 लीटर यखनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें अब मैं इसमें दूध डाल रही हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था 250 ml दूध मैंने अलग लिया है, वो दूध यहाँ पे डाल दे रही हूँ, और डालकर इसको बहुत अच्छे से एक बार मिलाऊंगी। और ये फ्लेम पे काम नहीं हो रहा है, ये प्लेटफॉर्म पे ही काम हो रहा है, किचन काउंटर पे हो रहा है, क्योंकि लेयरिंग की जो तैयारियाँ की जाती हैं उसमें जो हाफ काम होता है आपने काउंटर टॉप पे ही करना होता है। देखिए बहुत अच्छे से मैंने मिला दिया है, सारे मसाले वगैरह सब अच्छे से मिल चुके हैं, और देख सकते हैं आप कितना प्यारा सा कलर दिख रहा है। तो अभी हमें हमारे आलू की लेयरिंग करनी है, तो आलू जो है इसके ऊपर आपने अच्छे से बिछा देना है, इस तरह से आलू के ऊपर डालना है आपने खोया खीर। तो जो ग्रेटेड किया हुआ मैंने बचा लिया था, आधा मैंने उधर डाला था, आधा यहाँ पर डाल रही हूँ। देखें सारा डाल दिया मैंने, अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ये फ्रेश क्रीम। तो बस इस तरह से ड्रिजल कर दूंगी, यहाँ पे आपने 3 से 4 बड़े चम्मच चाहिए होंगे, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए होगी। ये भी अच्छे से डाल दिया मैंने, अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ये आलू बुखारे। आलू बुखारे ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट मिलता है और मुझे ये बहुत पसंद है। तो ये हमारी लेयरिंग हो गई है, अब मैं इसको कवर कर दूंगी चावल के साथ में। तो चावल की आधी क्वांटिटी यहाँ पर डालनी है, और अब यहाँ पर जब आधी चावल डाल दी आपने, तो अब आपने ये दूध डालना है, दूध वाला मिक्सचर जो हमने बनाया था बहुत ही खुशबूदार मिक्सचर, ये डाल दीजिए। और इस तरह से हाथों से डालिएगा, क्योंकि स्पून से कहीं कहीं पे नहीं जाती है, आपने बहुत अच्छे से लेयर की तरह लगाना है, और इसके ऊपर सारा का सारा चावल बचा हुआ डाल देना है।
तो अब जब हमने सारा का सारा चावल डाल दिया है, तो अब सबसे ऊपर में हमें डालना है हमारा केसर का मिक्सचर, जो कि आपको पता है मैंने कैसे बनाया है। तो ये सारा का सारा डालें, इसी से बिरयानी बहुत ही खुशबूदार और अमेजिंग बनकर तैयार होगी। बस आप देख के ढक्कन लगा दें और इसको सील कर दें, और बस इसको दम पे चढ़ाइए। दम पे चढ़ाएं बिल्कुल हाई फ्लेम पे, और तवा मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। प्री हीटेड तवे पे हाई फ्लेम पे मैंने हमारी बिरयानी देख को रख दिया है, और पहले के 15 से 20 मिनट, मैं आपको टाइम अच्छे से बता रही हूँ, 15 से 20 मिनट आप हाई फ्लेम पे रखेंगे बिल्कुल टाइम देखकर करेक्टली। और उसके बाद में जब 15-20 मिनट हो जाए तो फ्लेम को बिल्कुल सिम कर दीजिएगा, बिल्कुल धीमी आँच कर दीजिएगा, और बाकी के 20 से 25 मिनट धीमी आँच पर और रहने दीजिएगा, क्योंकि यखनी ज़्यादा है, चावल 50% है। तो बस टाइम देखकर इत्मीनान से अच्छे से बिरयानी को दम दीजिए, गज़ब की बिरयानी बनेगी। आपने जितनी मेहनत की है ना बिरयानी बनाने में, आपको उतने ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। तो बस अच्छी बिरयानी, परफेक्ट बिरयानी बनानी है तो उसको बनाने की प्रॉपर टाइमिंग आनी चाहिए और परफेक्ट तरीका होना चाहिए। तो मैं तो तरीका बताने के लिए आपके साथ में तैयार हूँ ही, बस आप अच्छे से बनाइए और बस घर वालों का दिल जीत लीजिए। तो अब यहाँ पे टाइम हो गया हमारी बिरयानी देख को ओपन करने का, क्योंकि इसके ऊपर बहुत अच्छा सा दम आ चुका है और चावल देखिए बिल्कुल खिल उठा है, और यहाँ पे बहुत अच्छी भाप भी बनी है। मैं कैमरे में थोड़ा सा आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छी दम आई है। और अब यहाँ पे एक प्रोसेस करना है आपने, मैंने आपको घी बताई थी ना, इसके ऊपर आपने इस तरह से ड्रिजल करना है, क्योंकि बिरयानी देख जब ओपन करते हैं तब डाला जाता है घी, इससे बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छे मॉइस्ट और बिल्कुल खिले खिले चावल बनकर तैयार होते हैं। देखिए दम कितने अच्छे से आया है, चावल बिल्कुल अच्छे से खिला हुआ है। और अब यहाँ पे मैं आपको इसको मिक्स कर दिखाती हूँ। देखिए बहुत अच्छे से मिलाना है, बिल्कुल नीचे ऊपर करना है चावल को एक तरफ से, और यहाँ पे पहले एक साइड से जो सादे चावल हैं ऊपर कर लीजिए, मतलब ऊपर के जो चावल हैं उसको साइड कर लीजिए, और फिर नीचे की तरफ से आप जो मॉइस्ट ग्रेवी वाले जो है ना सारे खाने वो इस तरह से निकाला जाता है। और यहाँ पे देखिए कितनी बेहतरीन लग रही है ये, और गजब का कलर आया है, और इसमें मैंने कोई भी ऑरेंज फूड कलर वगैरह यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ऑथेंटिसिटी और परफेक्टनेस मेंटेन करने के लिए मैंने बस इसमें केसर यूज़ किया है। उसकी ओरिजिनल जो कलर है और उसकी जो खुशबू है ना, उसी से बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी दादा बॉडी स्टाइल मटन बिरयानी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। कभी भी कोई ओकेजन हो, कभी भी कोई फंक्शन हो और आपको कुछ अच्छा बनाना हो, बिरयानी स्पेशली बनानी हो मटन बिरयानी, तो बस आप इस बिरयानी को आँख बंद कर बना लीजिए, बहुत ही अच्छी बनेगी और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैंने बनाना बताया है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आपको रेसिपी रिगार्डिंग कोई भी सजेशन देनी हो या रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी रिक्वेस्ट सुनूँगी और उसको पूरा करने की कोशिश करूंगी। तो बस इस बिरयानी को बनाइएगा जरूर, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही डिलीशियस बिरयानी बनकर तैयार होती है। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगती है फ्रेंड्स तो वीडियो को प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा इस बिरयानी रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस बिरयानी को आप जरूर बनाइए, घर वालों को खिलाइए, अपने मेहमानों को खिलाइए, सब खुश हो जाएंगे। तो जरूर बनाइए। चलिए फिर मिलती हूँ मैं एक नई बेहतरीन और धमाकेदार रेसिपी लेकर आप सभी के लिए नेक्स्ट टाइम। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।